हेलो गाइस, सीएचएसएल में जो क्वेश्चन आज पूछे गए थे उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं। पहला है सीपी ऑफ डिशवॉशर एंड वैक्यूम क्लीनर इज ₹78750। डिशवॉशर और वैक्यूम क्लीनर की टोटल जो है हमारे पास क्रय मूल्य उसका है 78750। वी इज सोल्ड एट 37% प्रॉफिट एंड डी इज सोल्ड एट 27% लॉस। ठीक है, इसको हानि पर बेचा गया डिशवॉशर को और वैक्यूम क्लीनर को 37% के लाभ के ऊपर बेचा गया। सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर सेम, दोनों का विक्रय मूल्य सेम है 5 CP। हमें उसका क्रय मूल्य करना है 5 CP ऑफ वैक्यूम क्लीनर। हम सिर्फ वैक्यूम क्लीनर का पूछा गया है कि क्रय मूल्य कितना है। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान दो कि अगर मैं पहले डिशवॉशर लेता हूं, डिशवॉशर को हमने 27% लॉस के ऊपर बेचा था, तो इसका हो गया सेलिंग प्राइस 100 में से 27 गया 73 अपॉन 100, ये इसका हो गया सेलिंग प्राइस। इसी तरह से वैक्यूम क्लीनर का सेलिंग प्राइस, क्योंकि इसको प्रॉफिट के ऊपर बेचा तो ये 100 था और ये 137 हो जाएगा। 100 में 37 जोड़ दिया, 137 वी। ठीक है, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम थी इसलिए मैंने बीच में इक्वल टू साइन डाल दिया। अब मैं डी अपॉन वी की रेशियो निकाल लेता हूं, विच इज इक्वल टू 137 अपॉन 73। ठीक है, और क्योंकि दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है इसलिए मेरा कॉस्ट प्राइस ऑफ वैक्यूम क्लीनर जो होगा वो क्या होगा, इस टोटल का 78750 का 73 ऊपर रखेंगे क्योंकि मुझे वैक्यूम क्लीनर चाहिए। 73 अपॉन इसकी टोटल कितना हो गया 210, तो अपॉन में 210 रखेंगे। इसका हम काटा पिटी करेंगे तो ये हमारा कटेगा 375 के ऊपर, और इसको जब मैं 73 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 27375। सो दिस इज द फाइनल आंसर, द कॉस्ट प्राइस ऑफ वैक्यूम क्लीनर इज ₹27375। मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹800 ऑन परचेज ऑफ वन आइटम, डिस्काउंट ऑफ 15% एंड ऑन परचेज ऑफ 4 आइटम्स डिस्काउंट ऑफ 38% इज गिवन। राज बायस 5 आइटम्स, व्हाट इज हिज इफेक्टिव डिस्काउंट। ठीक है, एक आइटम है जिसके ऊपर अंकित मूल्य ₹800 लिखा हुआ है, अगर कोई एक आइटम खरीदता है तो उसे 15% का डिस्काउंट मिलता है, अगर 4 आइटम्स खरीदता है तो उसको 38% का डिस्काउंट मिलता है, और राज ने 5 आइटमें खरीदी तो राज का इफेक्टिव डिस्काउंट क्या हो गया। तो राज का जो इफेक्टिव डिस्काउंट होगा, क्योंकि एक आइटम के ऊपर 15% है तो मैं इसको इफेक्टिव डिस्काउंट निकालने के लिए 15 × 1 करूंगा, जमा 4 आइटमों पर 38% डिस्काउंट है तो 4 × 38 करूंगा, अपॉन में टोटल आइटम्स करूंगा, 1 + 4 = 5 हो गया। ठीक है, ये हो गया 15 प्लस ये हो गया 152 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 167 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 33.5%। देयरफॉर द इफेक्टिव डिस्काउंट इज 33.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 3 इयर्स एंड 4 इयर्स डिफर बाय ₹21। ठीक है, एक कुछ अमाउंट है प्रिंसिपल मूलधन है, उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट 5% पर एनम की ब्याज दर से 3 साल के लिए उसका जो सिंपल इंटरेस्ट बनता है वो, और 4 साल के लिए जो उसका सिंपल इंटरेस्ट बनता है वो, उनका अंतर जो है ₹21 है। फाइंड द सम, हमें उसका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल मालूम करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि एसआई का फॉर्मूला होता है P × R × T/100। ठीक है, अब इसे P हमें मालूम करना है, R हो गया 5% दैट इज 5/100, और टाइम का जो है एक दिया हुआ है हमें 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा दिया हुआ है 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसका अंतर हमें मालूम करना है, तो इसका 4 में से 3 गया, 1 साल हो गया जो कि है 1 साल के लिए क्या है ₹21 है। ठीक है, तो अब हमें इसका प्रिंसिपल मालूम करना है, तो पी को हम एक साइड में रखेंगे, बाकी इसको कैलकुलेट करेंगे। दिस इज 100, तो ये हो गया 20, सो द आंसर इज ₹420 इज द प्रिंसिपल। क्वेश्चन, इन दिस फिगर ट्राइंगल पी क्यू आर इज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एंगल क्यू हमें 40 डिग्री का दिया है, एंगल आर हमें 60 डिग्री का दिया है, एंगल क्यू ओ पी हमें
QOR हमें निकालना है, ठीक है, एंगल QOR ये हमें निकालना है, एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमें पता है ये वाला एंगल 40 हो गया, ये वाला 60 हो गया, टोटल इनका हो गया 100, और 180 में से सबट्रैक्ट किया तो ये हो गया एंगल 80 डिग्री का। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हमने एंगल निकाल दिया। अब हमें मालूम है एंगल सबट्रैक्टेड बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबट्रैक्टेड बाय दैट कॉर्ड इन द अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। किसी भी सर्कल के कोई भी कॉर्ड जो केंद्र के ऊपर जो कोण बनाती है वो सर्कल की सर्कमफेरेंस के ऊपर बनाए हुए कोण का डबल होती है, इसलिए ये 80 है, तो ये एंगल हो जाएगा 160। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sin थीटा + cos थीटा = 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा * cos थीटा। स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल है, इधर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड का फार्मूला लगा दूंगा तो हो जाएगा sin² थीटा + cos² थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब हमें पता है ये वैल्यू भी 1 होती है, तो ये 1 इधर आके 1 के साथ माइनस हो गया, तो ये आंसर हो गया 0, देयरफॉर 0 डिवाइडेड बाय 2 इज आल्सो 0, तो हमारा साइन थीटा कॉस थीटा का मान हो गया 0 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज 0, देयरफॉर दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a / b + b / a इक्वल टू 1, we have to find the value of a q plus b q, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। इधर मैं जब सॉल्व करता हूं तो मुझे a स्क्वायर + b स्क्वायर / ab को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं तो इक्वल टू हो गया ab, ठीक है। यहां से हमें ये पता चलता है a स्क्वायर + b स्क्वायर - ab का वैल्यू 0 है, ठीक है। अब a q + b q का मैं फार्मूला लिखता हूं, a q + b q इक्वल टू a plus b in brackets a square minus ab plus b square, इसका ये factorization formula है, तो इसमें ये वाला value 0 आ गया यहाँ से, तो इसलिए 0 into any number is 0, so the final answer is 0. Next question, if alpha plus beta equal to 90 degree, alpha beta कोई दो angle हैं जिनका total 90 degree given है और इनकी रेशियो दिया है हमें अल्फा / बीटा इक्वल टू 2:1 रेशियो हमें दिया है, तो वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ cos अल्फा इज टू cos बीटा, ये वाली रेशियो हमें निकालनी है। तो अल्फा + बीटा 90 दिया हुआ है और यहां पर ये रेशियो हमें 2:1 दिया है, तो इसकी टोटल हो गई 3, दैट इज 3 का मान हो गया 90 डिग्री, तो a का मान हो गया 30 डिग्री, इसलिए अल्फा जो हो गया वो हो गया 30 × 2 = 60 डिग्री और बीटा हो गया हमारा 13 × 1 = 30 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूंगा, तो ये हो गया cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और cos 30 डिग्री इसका वैल्यू होता है √3/2, देयरफॉर द रेशियो इज 1:√3, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ए के चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, इसमें ए डी पैरेलल बी सी, AD और BC आपस में पैरेलल है, ये कोण 70 डिग्री है और ये एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। हमें पता है जब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल लाइन है तो ये एंगल 110 का होगा, बिकॉज़ द कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस इज सप्लीमेंट्री, तो इन दोनों की टोटल 180 होती है क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ये 110 हो गया, अब अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180 डिग्री, वो भी सप्लीमेंट्री होता है, तो इसलिए 180 में से मैंने 110 सबट्रैक्ट किया तो मेरे पास आएगा 70, देयरफॉर एंगल बीसीडी इज 70 डिग्री। ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, ए ए काम को 20 दिन में करता है, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, बी जो है 25% ज्यादा एफिशिएंट है ए से, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू कंप्लीट द सेम वर्क इज क्वेश्चन मार्क। अबे बी द्वारा उसी काम को करने में जो जितने दिन लिए जाएंगे उन दिनों की नंबर हमें निकालनी है। तो स्टूडेंट्स ये देखो ए और बी है, अब हमें पता है बी 25% मोर एफिशिएंट है, तो 25% का फ्रैक्शन हो गया 1:4, क्योंकि B 25% मोर एफिशिएंट है, तो इसके इसका एफिशिएंसी हो गया 4 × 1 = 5 और इसका एफिशिएंसी हो गया 4, A का एफिशिएंसी 4 तो B का एफिशिएंसी होगा 5। अब नंबर ऑफ डेज जो लगेंगे वो हमेशा इसके
इनवर्स लगते हैं, तो इसको 5 डेज लगेंगे और इसको 4 डेज लगेंगे, ठीक है। इसका इसका मान हमें दिया हुआ है 20, ठीक है। 20 हम देखते हैं कहां पर आता है, 5 4 पर, ठीक है। तो इसको भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा जो कि आंसर हो जाएगा 16, सो वी कैन डू द सेम वर्क इन 16 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैंक ए कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर्स। एक नल ए है जो 4 घंटे में एक टैंक को भर देता है, बी उसे 3 घंटे में भर देता है और सी उसे 2 घंटे में खाली कर देता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक, तो टैंक को भरे जाने में टोटल कितना टाइम हमें लगेगा इफ ऑल द टैंक्स आर ओपन, यदि ए बी सी तीनों ओपन हो। तो हमें पता है ए बी सी, ए उसे क्या करता है 4 घंटे में भरता है, ये 3 घंटे में भरता है और ये 2 घंटे में उसे खाली करता है, इसलिए मैंने माइनस लगाया। इन सब का एलसीएम आया हमारे पास 12, तो हम मान लेते हैं टैंक का कैपेसिटी जो है, उसका वॉल्यूम जो है वो है 12 लीटर। तो क्योंकि वॉल्यूम 12 लीटर है तो ये उसे 4 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में वो क्या करेगा 3 लीटर भरेगा और ये 1 घंटे में उसे 4 लीटर भरेगा और ये 1 घंटे में उसे 6 लीटर खाली कर देगा, ठीक है। तो टोटल हमारा ये भरने का हो गया 7 और माइनस 1, यानी कि 1 घंटे में 1 लीटर टैंक भरा जाएगा। जब 1 घंटे में 1 लीटर टैंक भरा जाएगा तो 12 लीटर भरने में उसे 12 घंटे लगेंगे, सो द 12 आवर्स इज द फाइनल आंसर। अ ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 116 किलोमीटर पर आवर, एक गाड़ी 116 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भाग रही है। द डिस्टेंस covered by the train in meters in 18 second is, हमें डिस्टेंस निकालना है मीटर्स में 18 सेकंड के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में दिया है, ठीक है, और डिस्टेंस हमें मीटर और मीटर में निकालना है और टाइम हमें सेकंड में दिया है। तो मैं क्या करूंगा, स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूं। 116 किलोमीटर पर आवर को जब मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई। और क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालना है 18 सेकंड में तो मैंने 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18 18 कट गया, अब ये हो गया 116 × 5 व्हिच इज इक्वल टू 580, देयरफॉर द आंसर इज 580 मीटर। द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12√3 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी माध्यिका की वैल्यू हमें दिया हुआ है 12√3, तो हमें उसका एरिया निकालना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका ये मीडियन हो गया, और मीडियन जो होता है वो अल्टीट्यूड भी होता है, तो इसका वैल्यू 12√3 हमें गिवन है। ये एंगल 60 डिग्री है, हमें पता है tan θ = tan 60° = √3 है, तो इसलिए जब ये 12√3 है तो यहां से लेके इतना ये 12 सेंटीमीटर हो गया और पूरा बेस जो हो गया वो 24 सेंटीमीटर हो गया, इसलिए इस ट्रायंगल का एरिया हो गया हाफ बेस इनटू हाइट, जो कि हमें 12√3 दिया है 24, देयरफॉर ये हो गया 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर। इसी क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, एरिया इक्वल टू मीडियन स्क्वायर अपॉन √3, ये फार्मूला होता है डायरेक्ट 12√3 × 12√3 अपॉन √3, √3 कैंसिल व्हिच इज इक्वल टू 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर।